हुकूमती इत्तेहादी वफ़द ने सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश का जाकर मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर मुशावरत की गई। मुलाकात में JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, हाजी गुलाम अली, असलम गौरी, नूर आलम खान, मौलाना अमानुल्ला भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान के घर आने वाले रहनुमाओं में राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफीक, राना तनवीर, यूसुफ रजा गेलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल थे। सादिक सुंजरानी, खालिद मिक्सी, सेनेटर अब्दुल कादिर, सालिक हुसैन, IPP के सदर अब्दुल अलीम खान भी मौलाना के घर पहुंचे। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की। मौलाना से वजीर आजम और स्पीकर के इंतखाबात में तावुन मांगा गया। राना सनाउल्ला ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि मौलाना हमारे लीडर हैं, वो पहले भी गाइडलाइंस देते रहे हैं, आज शाम को दोबारा आएंगे। मौलाना फजल रहमान ने जिन बातों की निशानदही की वो जायज़ है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें वक्त पर ना करने से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। अपनी लीडरशिप से बात करके अजाला करेंगे।